हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज सोनी कुमारी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल इंटेंसिव स्टडी। आप सबको पता है कि हम एनसीईआरटी की क्लास 7 की मैथ्स कर रहे हैं। वी हैव बीन कंटिन्यूइंग द चैप्टर ऑफ डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? आंकड़ों का प्रबंधन। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड, बी प्लेड इन ऑल द फोर गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। सो इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि बी ने सारे गेम्स में परफॉर्म किया, सारे गेम्स को खेला, तो आप इसका मीन कैसे फाइंड करेंगे। मीन यानी माध्य। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन या डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। माध्य कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बी, ये रहा बी, बी ने सारे गेम्स खेले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी ये जो गेम्स उसने खेले यही हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका हमें करना है सम। तो चलिए सम कर लेते हैं। अब आपको ये नहीं समझना है कि अगर उसने जीरो स्कोर किया है तो जीरो को आप काउंट ही नहीं करोगे। जी नहीं, बी ने गेम 1 खेला है, भले ही उसने जीरो स्कोर किया हो लेकिन आप उसे काउंट करोगे, उसका गेम में खेलना काउंट किया जाएगा। दैट इज व्हाई वी विल राइट 0+8+6+4। उसके जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर उसने गेम खेला है तो उसके जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे जीरो भी हो, आप उसे लिखेंगे। और अपॉन में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, टोटल कितने हैं? 4 है। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। 8+6, 14, 14+4, 18, 18 अपॉन 4, 18 अपॉन 4, तो 4 को 18 से डिवाइड करेंगे, 4 4s होता है 16, 8 में से 6 को माइनस करेंगे, नीचे आएगा 2। तो अब आगे डिवाइड करने के लिए यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे 0। पॉइंट लगाते ही अब हम 0 लगा सकते हैं। 4 5s होता है 20। तो ये भी पूरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या आया? 4.5। तो यही हमारा आंसर है। सो बी का जो स्कोर था, मीन स्कोर ऑफ बी, ये हमने क्या निकाला है? ये हमने मीन स्कोर ऑफ बी फाइंड किया है। ओके, मीन स्कोर ऑफ बी कितना आया था? 4.5। फोर्थ, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, यानी किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। तो ये हम तभी बता सकते हैं जब हमें तीनों परफॉर्मर ए बी सी तीनों की हमें मीन स्कोर पता हो। तो हमने इस क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मीन निकाल लिया था ए और बी का। मीन स्कोर ऑफ ए है 12.5, ये हमने इसके फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया था। मीन स्कोर ऑफ बी है 4.5, ये भी हमने इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में निकाल लिया था। किसका मीन स्कोर नहीं निकाला था? सी का, तो वो भी निकाल लेते हैं। मीन स्कोर ऑफ सी, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। माध्य का फॉर्मूला क्या है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। मीन स्कोर ऑफ सी, सी ने पहले गेम में कितना स्कोर किया? 8, प्लस दूसरे गेम में कितना स्कोर किया? 11, प्लस थर्ड गेम उसने खेला ही नहीं, फोर्थ गेम में उसने स्कोर किया है 13 पॉइंट्स। जब आप इन डिजिट्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 32/3। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं 32 को 3 से। 3 1 3 3 3 -0, इसके बाद 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 छोटा पड़ रहा है 3 से, तो पहले 0 का टेबल ले जाएंगे। 3 0s 0, 2 में से 0 माइनस करेंगे, अगेन 2 आ गया, अभी भी छोटा पड़ रहा है। यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पर 0 लिख देंगे। पॉइंट को लिखते हैं, यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं। 3 6 होता है 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो आएगा 2। अब इस 2 को आप दोबारा यहाँ लिखिए,
फिर वापस आप जीरो लगा सकते हैं, अगेन ये 3 6 18 करके डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, फिर आप जीरो लिखोगे, 3 6 18 माइनस करोगे, तो ऐसा चलता रहेगा ये। तो इसलिए आपको क्या करना है, 2 बार 6 लिख के छोड़ देना है। मीन स्कोर ऑफ सी क्या आया था, 10.66। तो आप अब इनको कंपेयर कीजिए, ए का जो मीन स्कोर था एवरेज था वो 12.5 था, बी का एवरेज या मीन स्कोर है 4.5 और सी का मीन स्कोर है 10.66। आप बताइए किसके सबसे ज्यादा है। सबसे पहले आपको देखना है पॉइंट के पहले, अगर आपको पॉइंट के पहले देखने से कुछ पता नहीं लगता तब आप पॉइंट के बाद देखेंगे। तो पॉइंट से पहले आप देखिए, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10 है, 12 4 और 10 में बड़ा कौन सा डिजिट है, 12। तो इसीलिए मीन स्कोर ऑफ ए जो है वो ए का हाईएस्ट है, इसीलिए हमारा आंसर होगा ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। ए इज द बेस्ट परफॉर्मर क्यों, क्योंकि ए का जो मीन स्कोर है, जो एवरेज है, वो सबसे ज्यादा है। मीन स्कोर के बेसिस पे हमने ए को बेस्ट परफॉर्मर बताया है। सो डियर लर्नर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, share this video, do subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon। आप हमें comments करके भी जरूर बताइए कि आपको video कैसा लगा। अगर आपको ये video पसंद आता है तो एक like भी दीजिए। Thank you very much।